Good morning all. So today is Tuesday, yesterday was Monday, and tomorrow is going to be Wednesday. So can you differentiate what is yesterday and what is tomorrow? Yesterday और tomorrow में क्या difference है, क्या अंतर है, क्या हम बता सकते हैं? What is yesterday? Yesterday मतलब होता है previous day. Yesterday means previous day. Previous means पहले वाला. तो जस्ट पहले का दिन इज कॉल्ड एस्टरडे. एंड व्हाट इज टुमारो? टुमारो इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे मीन्स जस्ट आगे वाला. डन. तो जस्ट आगे वाला दिन इज कॉल्ड टुमारो. टुमारो इज व्हाट? वेडनेसडे. एंड इज टुडे. टुडे इज व्हाट? ट्यूसडे. आप लोगों को ये लर्न होगा ना वर्ड एस्टरडे एंड टुमारो. ओके, कोई बात नहीं. आज हम लोग क्या करेंगे? आज ट्यूसडे है और आज इंग्लिश का दिन है. आज हम लोग को इंग्लिश लर्न करना होता है. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नाउंस को लर्न किया था. बहुत सारे होमवर्क असाइनमेंट्स भी सबमिट किए थे बनाने के बाद. एंड यू ऑल आर डूइंग गुड. बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग. आज हम लोगों की नाउन पे ही कुछ एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करेंगे. आज कुछ नया सीखेंगे तो थोड़े थोड़े. जैसे अभी मैंने बातों बातों में ही आपको स्टडी एंड टुमारो सिखाने का प्रयास किया. इनफैक्ट मैंने आपको ये भी सिखाने का प्रयास किया कि हाउ टू प्रोनाउंस मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. हम दिनों के नाम कैसे लेते हैं? मैं एक बार सातों दिनों के नाम ले लूँ क्या? आप लोग भी इसमें जो भी इसकी बारीकियां होंगी इसको सीखने का प्रयास करिएगा. इट इज लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. ओके, सो ऐसे ही है. हम लोग एक्टिविटी करेंगे और आज एक्टिविटी के थ्रू कुछ फॉर्म लर्निंग करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेंगे हम लोग नाउन्स के बारे में, स्पेशली नाउन्स. ओके, बहुत सारे और भी चीज़ें सीखेंगे लेकिन नाउन्स के बारे में थोड़ी सी डीप लर्निंग लेने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आप लोगों को आज केवल असाइनमेंट्स मिलेंगे और आप लोगों को क्या क्या करना है मैं बताता हूँ. ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी आती होंगी. व्हाट इज द वॉवेल एंड व्हाट आर द कॉन्सोनेंट्स. ओके, व्हाट आर द लेटर्स, व्हाट आर द वर्ड्स. ये सारी चीज़ें आप लोगों को आती होंगी तो आपको मुझे बताना है कि वॉवेल्स क्या होते हैं. आज आप मुझे लिख के बताएं. फिर कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं ये भी लिख के बताएं. आपको इंग्लिश लेटर में वॉवेल्स ए टू जेड लिखिए और उसमें हमें ये बताइए कि आपके वॉवेल्स कौन कौन से हैं और आपके कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं. देन लेटर्स क्या होते हैं, एक लेटर क्या होता है और एक वर्ड क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं. ये बहुत ही एलिमेंट्री है और ये आप लोगों को आता है, आप लोगों को पढ़ाया भी गया है. तो व्हाट इज द लेटर एंड व्हाट इज द वर्ड, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को भी आपको बताना है आज. ओके, तो ये चार चीज आपको तो पहले करनी है. एंड देन हियर इट इज. ये आज आपकी एक्टिविटी है. इसमें आपको ये करना है कि आपको अपने घर में यूज होने वाली सारी चीजों के नाम, जिनके भी नाम आप लिख सकते हो उनको लिखना है. जैसे मैंने कुछ एडिबल आइटम्स के नाम लिखे हैं. मैंने बताया ना एक्टिविटी के थ्रू हम लोग आज बहुत सारी चीजें लर्न करेंगे. जैसे ये एडिबल आइटम्स, व्हाट आर द एडिबल आइटम्स, कौन बताएगा? किसी को पता है क्या एडिबल क्या होता है? एडिबल जो वर्ड है ना ये बना है ईट से, ई ए टी. ये तो सभी को पता है. ईट मींस क्या होता है? खाना. ओके, जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ईट. ईट करना, ईट एक वर्ब है. ईट मींस खाना. अच्छा, ये वो वाला खाना नहीं है जैसे हम लोग बोलते हैं ना मम्मी खाना दो, तो वो तो फूड होता है. व्हाट इज दिस, सॉरी व्हाट इज दैट, दैट इज फूड. फूड मींस खाना. अब इन दोनों में अंतर है. कौन सा खाना? जो हम लोग थाली में रखते हैं ना या टिफिन में जो पैक करते हैं, दैट इज फूड. मतलब उसको हम खाएंगे. और खाना इज वर्क, काम है आपका. ये जब हम कोई भी चीज माउथ में रखते हैं, अपने टीथ के नीचे रखते हैं, देन उसको हम लोग च्यू करते हैं. च्यू मतलब चबाना. सी एच ई डब्ल्यू, चीव. चीव मतलब चबाना. ओके, तो जब हम लोग किसी भी चीज को, जैसे एग है, तो एग को पहले, एग इज आवर फूड. कौन सा फूड? ये है. एग इज दिस फूड. एफ डबल ओ डी वाला फूड है वो. जब हम लोग एग को अपने प्लेट में रख के और फिर हाथ से उठा के या फिर चम्मच से उठा के अपने माउथ में रखते हैं और उसको च्यू करना शुरू करते हैं, च्यू मतलब चबाना शुरू करते हैं, तो दैट एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड ईट. ई ए टी, ईट. ईट मतलब खाना. जैसे गो मींस जाना, ईट मतलब खाना. समझ रहे हैं ना? यस. सो अब देख लो, ऐसे ही बातें बातों में हम लोग ने क्या सीखा? फूड, ईट एंड च्यू, ये तीनों वर्ड सीखे. एडिबल शब्द जो है कहाँ से बना है? ईट शब्द से बना है. किस वर्ड से बना है? ईट वर्ड से बना है.
ईट ईट मीन्स खाना, इट्स कॉल्ड एडिबल। तो एडिबल का मतलब क्या होता है? वैसी चीजें जिनको हम खा सकते हो, उनको क्या बोलते हैं? एडिबल चीजें, जिनको भी खा सकते हैं ना उनको एडिबल बोलते हैं। और आइटम्स मतलब चीजें, वस्तुएं, ठीक है, थिंग्स, थिंग्स, आइटम्स मीन्स थिंग्स। तो एडिबल थिंग्स, ऐसी चीजें जिनको हम खा सकते हो, उनको क्या बोलते हैं? एडिबल थिंग्स। मेरे साथ बोलिए, व्हाट इज एडिबल थिंग्स? एडिबल थिंग्स, डन। तो ये सारे एडिबल आइटम्स के नाम हैं। जैसे आप बटर, घी खाते हैं ना, मक्खन, बटर, मिल्क, वैसे तो ये ड्रिंक करने वाली चीज़ें हैं, मिल्क ड्रिंक करने वाली है, ड्रिंकिंग वाटर, अगेन इट्स यू कैन से इट लाइक, हाँ ठीक है चलो, ये भी एडिबल आइटम्स हैं, इनको भी खा सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड मतलब क्या होता है? सरसों, सरसों का तेल खाते हैं ना हम लोग, उसी में तो सब्जियां बनती हैं। तो मस्टर्ड ऑयल, राइस, पल्सेस, ब्रेड, वेजिटेबल्स। अच्छा ये है ना, इसको वेजिटेबल्स नहीं पढ़ते हैं, दिस इज वेजिटेबल्स, वेज, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, पोटैटोस, टोमेटोस, चिली, साल्ट एंड स्पाइसेस। तो दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ एडिबल आइटम्स, ये सब खाने की चीज़ों के नाम है। और ये सारे ही क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं नाउन्स हैं। आप अपनी आंखों से जितनी भी चीज़ें देखते हैं ना, जितनी भी चीज़ें देखते हैं, एवरी थिंग इज नाउन। ट्री नाउन है, आपके यहाँ जो फ्राई पैन रखा हुआ है, जो कढ़ाई रखा हुआ है, पैन, पैन इज अगेन अ नाउन। कुकर, प्रेशर कुकर, ये भी नाउन है। टेबल, चेयर, ये सब कुछ नाउन है बेटा। कर्ल्ड नाउन है, पेन नाउन है, इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, ज्योमेट्रिकल बॉक्स, मैथमेटिकल बॉक्स, बॉक्सेस, बैग्स, ट्रॉली बैग्स, आलमीरा, योर रूफ, योर फ्लोर, योर टाइल्स, मार्बल्स, स्टोन्स, एवरीथिंग इज नाउन। विंडो नाउन, डोर नाउन, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें नाउन्स हैं। तो आपको आज का एक्टिविटी क्या है कि अपने घर में आप जितनी भी चीज़ें आज देखें और सारी चीज़ों के नाम आपको लिखने हैं, एंड ऑल आर नाउन्स, ठीक है? तो ऐसे जो भी नाउन्स आपको आसपास में दिखें, आप उन सब के नाम लिखिए, एंड इंग्लिश में लिखने की कोशिश करना है और उसे सबमिट करना है, ओके? अच्छा, कुछ रिलेशनशिप्स देखिए आप, जैसे फादर, मदर, देन अंकल, देन आंट, देन ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, ग्रैनी, ये सारी भी चीजें क्या होती हैं? नाउन्स कहलाते हैं। फादर, क्या ये नाउन है बताओ? हाँ, फादर इज अ नाउन वर्ड, मदर इज अगेन अ नाउन वर्ड, अंकल इज अगेन अ नाउन वर्ड, एंड आंट इज अगेन अ नाउन वर्ड, ओके? मैन, वुमन, गर्ल, बॉय, अगेन दीज ऑल आर नाउन्स। स्टूडेंट्स नाउन, स्कूल नाउन, हॉस्पिटल्स नाउन, ठीक है? तो अब सेकेंड एक्टिविटी क्या करना है, आपके जितने भी रिलेशंस होते हैं लाइक फादर, मदर, ब्रदर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ग्रैंडपा, ग्रैनी, ये सारे अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस, तो ये सारे रिलेशनशिप्स के भी नाम लिखने हैं। आपको जितने भी रिलेशनशिप्स पता हैं आप उनके नाम लिखिए, ओके? और अपने फोटो के साथ आज सेंड करना है। जो भी आप आज होमवर्क असाइनमेंट्स करेंगे, आप लोग कोशिश करिए कि अपने फोटो के साथ अपना होमवर्क करिए और उस पेज को भी सेंड करिए, एंड देन पेज को अपने हाथ में लेके और अपना पूरा फोटो, मम्मी पापा को बोलिए कि मेरा फोटो खींचिए पापा, और फोटो खींच के मैं आप सबको देखना भी चाहता हूँ, ओके? बाय बाय। आज एक्टिविटी करनी है अपने घर के सारे सामान के नाम और अपने सारे रिलेटिव्स के नाम लिखने हैं, ओके? अपने सारे रिलेटिव्स के नाम भी लिखने हैं, मम्मी से पूछिए एंड देन उसको राइट डाउन करिए। और ये सब क्या कहलाते हैं? सारी की सारी चीज़ें नाउन्स कहलाते हैं। बाय।